जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ 4 अगस्त 2024 से लेके 10 अगस्त 2024 के दौरान आप सभी की किस्मत दे सकती है साथ। पिछले कुछ दिनों से अटके हुए पैसे आए क्या? कमेंट में लिखिएगा। आ चुके होंगे पहले ही सूर्य की स्थिति के कारण कई लोगों के, मैं सभी की बात नहीं करती, लेकिन अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग लोगों को इस दौरान पिछले हफ्ते और आने वाले इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे तो अमावस होने के कारण चंद्रमा का ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। तो चंद्र स्वग्रही हैं लेकिन अमावस के साथ साथ तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे सकते चंद्र। तो 3-4 तारीख को स्वग्रही रहने वाले चंद्रमा बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते, लेकिन अगर मैं एकंदरित बात करूं कि बाकी ग्रहों की कहानी क्या है तो बाकी ग्रहों की कहानी बहुत अच्छी है। एक शनि और राहु केतु की बात करें तो शनि वेल प्लेस्ड होकर भी वक्री होने के कारण कई लोगों को नेगेटिव असर दे रहे हैं और बाकी सारे ग्रह उस स्थिति से बचाते हैं, जैसे मंगल और गुरु और सूर्य जो बैठे हुए हैं कर्क राशि में, बुध और शुक्र जो सिंह में बैठे हुए हैं। तो ये सब जो है अपने अपने भावों के अनुसार आपको अलग अलग प्रकार के लाभ देंगे। आइए मैं कामिनी खन्ना आप सभी को साप्ताहिक राशि भविष्य की ओर लेके चलती हूँ। तारीख 4 अगस्त 2024 से लेकर तारीख 10 अगस्त 2024 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। इस सप्ताह की घटनाओं का विवरण आपको मैं दे दूं। 4 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे और अमावस्या समाप्ति है दोपहर 4:42 के बाद। 5 तारीख को महाराष्ट्र में श्रावण मासारंभ हो जाएगा और शिव जी को चावल चढ़ेंगे पहले सोमवार के अधीन। इसी दिन बुध वक्री हो जाएंगे तो बुध का जो बहुत ज़्यादा तेज़ असर था लोगों पर वो असर भी कम हो जाएगा और महालक्ष्मी योग जो बना हुआ है शुक्र और बुध का उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि बुध और शुक्र पर शनि की दृष्टि भी है, मित्र की दृष्टि है और इस कारण ये ग्रह जो है जोरों पर रहेंगे, लेकिन जोरों पर रहने के बावजूद भी ये अगर 100% असर देने की बात करें तो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद मंगलापौरी पूजन है 6 तारीख को। 7 तारीख को मधुस्त्रवा तीज है, सभी सुहागिनों को मधुस्त्रवा तीज की बधाइयाँ। 8 तारीख को विनायक चतुर्थी है, दुर्वा गणपति व्रत है, नाग चतुर्थी का उपवास है क्योंकि दूसरे दिन नाग पंचमी रहेगी जो कि नाग पूजन किया जाएगा शिव मंदिरों में। 9 तारीख को नाग पंचमी, महालक्ष्मी स्थापना व पूजन और बुध शाम में अस्त हो जाएंगे। इसी दिन जरा जीवंती का पूजन भी रहेगा। 10 तारीख को कल की जयंती है, अश्वत्थ मारुति पूजन है। तो त्योहारों का महीना स्टार्ट पहले ही हो चुका है, गुरु पूनम से त्योहारों का महीना तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया त्योहारों का महीना जोर पकड़ेगा। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर ये सप्ताह क्या असर दे रहा है। और जानने से पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं राशिफल ज़्यादातर लग्न के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब 7:30 की बात आती है, राहु केतु की बात आती है, गुरु की बात आती है तो राशियों के हिसाब से भी बताया करती हूँ, इसलिए ये मिला जुला राशि भविष्य रहेगा। वहीं पर आप समझ लीजिए कि उपाय जो हैं आपको वो साथ साथ देती जाऊँगी अगर किसी के लिए ज़रूरी हैं तब, और कंसल्टेंसी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का जानते हैं हम। मेष राशि के लिए देखिए लग्नेश अपने से द्वितीय ग्रह, ये अच्छी स्थिति है। अपने से द्वितीय घर जो होता है वो शुक्र का होता है, थोड़ा सा लस्ट होती है दिमाग पे, यहाँ पर कामुक वासनाएं होती हैं, लेकिन जो साथ मिला है ना इतना अच्छा गुरु का मंगल को आपके लग्न को, तो वो आपकी बूस्ट करेगा एनर्जी और साथ साथ मित्र के सहयोग से धन लाने की भी आपको पूर्ण
संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और खर्चे के भी स्वामी, तो परिवार पर खर्चा दिखाते हैं और हो सकता है कि आपको नसीब से कई सारे काम मिलें। वहीं पर आप समझ लीजिए कि अगर अष्टम भाव से भी देखें तो मंगल की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, नया काम शुरू होना और साथ साथ में तबीयत अच्छी हो जाना, ये भी प्रोमिनेंटली दिखता है। वहीं पर बुध की स्थिति अपने पराक्रम भाव से तृतीय जाने के कारण बहुत अच्छी है, कामकाज में उत्साह, व्यवसाय में आगे बढ़ने की कोशिशें और साथ साथ खर्चे, किस बात पर आपको कोई लोन प्राप्त करना है तो उसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। महालक्ष्मी योग आपके पंचम भाव में बनने के कारण आपको बच्चों से फ़ायदा, ज्ञान से फ़ायदा, ये भी याद रखें। शुक्र भी बैठे हैं दिमाग पर जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो आपको हर प्रकार से ऐसा फील होगा कि मैं कैसे बिजनेस बढ़ा लूँ, कैसे आनंद मिले, कैसे घूम फिर के आऊँ, मन मज़ा मस्ती भी मिले, इन्जॉयमेंट भी मिले और काम भी होता रहे। वहीं विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलके भी कई काम आप बना सकते हैं। मामा पक्ष से जो अनबन थी वो खत्म होगी और जो लोन्स चुकाने में दिक्कत थी, कर्जे हैं जिन पर, उनका कर्ज चुकाने में अब उनको मदद तो मिल सकती है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा दिखते हैं मुझे। शनि महाराज के वक्री चलते कामकाज में विलम्ब या देरी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। चिड़चिड़ापन केसेस विवाद में काम नहीं आएगा और आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। वहीं पर चंद्रमा की सिचुएशन इस सप्ताह में अच्छी होने के कारण माता पक्ष से सुख, घर की व्यवस्था अच्छे से और साथ साथ हेल्पर से आपको, और साथ साथ आपका मन अच्छा रहेगा, ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी ताकि आप काम कर सकें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश जो हैं वो चतुर्थ में बैठे हैं। चतुर्थ में शुक्र को दिग्बली माना गया है, क्योंकि शुक्र जो है वो सुख की व्यवस्था करता है, मनोरंजन की व्यवस्था करता है और आपके जीवन में प्रथम सुख होती है आपकी माँ। जब शुक्र किसी के चतुर्थ भाव में बैठता है तो वो सुख और आनंद और मन को आनंद की स्थिति देता है। और महालक्ष्मी योग बना चतुर्थ भाव में तो माता पक्ष से धन प्राप्त करने की योजनाएं, मतलब अगर वो चाहती हैं कि आपको सपोर्ट कर दें, आपके कर्जे चुका दें, चुका सकती हैं। अंदर से जो आत्मिक जागृति, उनके कारण सुख सुविधा की रेलचेल, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने की बातें हो सकती हैं। बातें होने के बावजूद भी डिसीजन मेकिंग पावर्स कमज़ोर हो गई, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना कि डिसीजंस लेने के लिए अपनी माँ की सलाह का सहारा लीजिए। वहीं पर लाभ भाव में बैठा राहु लगातार आपको कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ कर देगा और लग्न में बैठा गुरु मंगल क्या कहता है कि आपकी वरवधु के चयन के, जिनको शादी करनी है उनके भी योग हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए भी आप संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके विवाहित जीवन में जब वरवधु का चयन होगा तो परफेक्ट चयन हो जाएगा, बस आपको इन दिनों जब तक गुरु लग्न में है मोटापे से बचना है, डायबिटीज़ से बचना है और गर्दन गुदा, पेट, नीचे के पैर, इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना है। तृतीय भाव में 16 तारीख तक बैठा हुआ सूर्य यात्राओं पर ले जाएगा, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कई फ़ायदे दिला सकता है और शनि महाराज दशम में बैठ के काम तो करवाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन साथ साथ में क्या है, शनि भाग्य का भी स्वामी है, स्लो कर दिया है काम। वक्री होने के कारण आपके कामकाज में मंदी जैसा होता है ना, जैसे तेज चलने वाला काम जो है वो स्लो डाउन हो गया है। आप कर सकते हैं काली की आराधना, ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप या हरे कृष्णा के जाप। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए एक चीज़ ठीक होती है एक बिगड़ जाती है। जैसे अब पैसा आने की स्थिति पिछले हफ्ते भी अच्छी थी, इस हफ्ते भी अच्छी है और मन भी आनंदित रहेगा। जैसे ही चंद्रमा कर्क में आ गए हैं वैसे ही सप्ताह शुरू होगा तो मन आनंदित रहेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है आपके जीवन में। पैसा आया, उसने पहले ही खर्चों की व्यवस्था बता दी और आप हर प्रकार से चाह रहे थे कि तबीयत अच्छी रहे तो कामकाज होगा, लेकिन तबीयत बिगड़ गई है, तो तबीयत को सुधारने की ज़रूरत है आपको। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर, इस सप्ताह में आराम भी कीजिए, रेस्ट भी कीजिए। बहुत ज़्यादा यात्राएं करेंगे और कामकाज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें परेशान भी होंगे और घर की व्यवस्था पर
रेनोवेशन पर ज़्यादा खर्च भी होने वाले हैं आपके, वो भी दिखता है। लेकिन आपका नसीब सो गया है ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब शनि वक्री हुए तो वो अष्टम भाव का पहले असर दे रहे हैं, इसीलिए थोड़े दिन आपको ये तबीयत खराब का चक्कर चल सकता है। और जैसे ही शनि मार्गी होने को आ जाएंगे सितंबर महीने में, ये अगस्त का महीना छोड़ के आप हर प्रकार से सुखी होते दिखते हैं मुझे। और राहु जो है मीडिया से रिलेटेड काम बनाने के लिए उत्सुक है आपके, बशर्ते राहु किचकिच कराता है काम में, कोई काम आपके जल्दी नहीं बनते हैं। इफ़ एंड बट्स आपके दिमाग में बहुत सारे हैं और ये इफ़ एंड बट्स को आप ही को निकालना है। द्वादश में बैठा मंगल गुरु के साथ मंगलिक योग बनाता है, और हालांकि वो लग्न में आने वाला है मंगल थोड़े दिनों बाद, इसलिए अभी से मेरे हिसाब से आपको हरी सब्जी खाना, बुध के सारे उपाय करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूरी रहेगा। और गणेश जी के मंदिर एक चक्कर मार लिया कीजिए सुबह या शाम को, और एक नारियल चढ़ा दिया करिए, जिससे आप आश्वस्त रहेंगे हर चीज़ के लिए। गुस्सा आना, झगड़े होना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाना, ये कार्ड्स पर है। विरोधी सक्रिय थे, वो शांत रहेंगे, उनकी तरफ से कुछ कारस्थानियाँ नहीं चलेंगी। और जो पिछले हफ्ते धन आया वो अभी व्यवस्था उसकी होगी कि कैसे आपको खर्चा करना है, लेकिन धन आने की और संभावनाएं हैं। कर्क राशि आपके लिए देखिए, लग्न में है चंद्रमा, सप्ताह की शुरुआत में आप शुभ अवस्था में रहेंगे, किस्मत साथ दे रही है, कई काम आपके इस सप्ताह में बनने वाले हैं। और आप जो हैं कई ऐसे काम जैसे कि चतुर्थ भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो क्या होता है, परिवार के सपोर्ट के साथ पैसा आना, और पैसा जो है वो किसी से विवाद से भी आ सकता है, पैसा जो है वो परिवार के सपोर्ट से संचित भी हो सकता है। धन आने की पूर्ण योजनाएं बनी हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो नेचुरली द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, और धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। वहीं पर कामकाज में धन आने के लिए जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होती रहेगी आपकी, बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। माता पक्ष से सहयोग, पिता समान लोगों से सहयोग, लेकिन दिमाग की गर्मी और गुस्से निकालना सब पर ये उचित नहीं है, तो अपनी दिमाग की गर्मी को संभालिए, नहीं तो आपके काम बिगड़ते नज़र आते हैं मुझे। और अगर समझदारी से काम लेंगे तो आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे, तो मैं आपको गुड लक देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपको अच्छा सप्ताह मिला है, तबीयत बढ़िया रहेगी, ढैया का प्रभाव कम हो चुका है, और अपने अड़ंगे रोड़े निकालने के लिए आगे बढ़ें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य द्वादश भाव में बैठकर विदेशों से कामकाज दिलवाते हैं आपको, कुछ ऐसा काम दिलवाते हैं जिसमें वीज़ा वगैरह लगना था वो हो जाता है, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कुछ और काम है, नौकरी लगनी है या कुछ अन्य प्रकार के सपोर्ट्स चाहिए, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर भी द्वादश में सूर्य बहुत ज़्यादा चमत्कारी नहीं होते, इसलिए आप इस चमत्कार के लिए वेट कीजिए 16 तारीख तक, वो होगा आपके जीवन में। और अभी फ़िलहाल जो शुक्र बुध बैठे हैं वो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो आपको हर प्रकार से सूझ रही है पैसा कमाने की, क्योंकि बुध आपका पैसा है। अगर 100% पैसा चाहते हैं तो 60% तो आ ही जाएगा, लेकिन कोशिशें बहुत करनी पड़ेंगी। कोशिशें करने के लिए गुरु और मंगल आपका साथ देते हैं, पिता का सहयोग है। अपने भाग्य भाव से द्वितीय गया हुआ मंगल आपको नसीब जगाता है, कामकाज देता है। अब कामकाज कितना करना चाहिए, उत्सुकता से और चाव से, मतलब आपके काम से आपको प्रेम होना चाहिए, तब जाके आपके काम माता पक्ष से सपोर्ट के साथ भी बनेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी। वहीं पर शनि महाराज आपको पूर्ण रूप से देख तो रहे हैं, और इस बात से आप पहले भी आहत थे, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें तो अच्छा है, और अपने विरोधियों से भी सावधान रहें तब भी अच्छा है। पेट से रिलेटेड, गर्दन गुदा और नीचे के पैरों से रिलेटेड समस्याएं, ज्ञान की कमी या नया ज्ञान हासिल करने के लिए रोड़े आना, ये सब आप नींद ना आना झेल सकते हैं। और नींद आने के लिए आपको श्री राम एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से लिखना चाहिए, पानी रखना चाहिए सिरहाने और सोना चाहिए, सुबह वो पानी फेंक देना चाहिए। कन्या राशि,
कन्या राशि के लिए देखिए, लग्नेश बुध जा के द्वादश में बैठे। द्वादश में जो ग्रह जाता है ना, वो खर्च हो जाता है, लेकिन द्वादश भाव को टोटली बुरा नहीं बोलते हम। एफर्ट्स ज़्यादा लग जाएंगे कामकाज बढ़ाने के लिए, लेकिन एफर्ट्स लगने के बावजूद भी कुछ काम तो आपके ऐसे बन ही जाएंगे जो विदेशों से रिलेटेड हो, वहाँ से धन प्राप्त करना हो, और आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं विदेशों की। वहीं पर आपका उत्साह तो बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि जो पिछले हफ्ते धन आया उससे आपकी हिम्मत बढ़ गई है। जिन लोगों को नहीं आया वो अपनी महादशा दशा चेक करें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश लगता है तो उस पर भी गौर करें, क्योंकि ये विघटन का समय नहीं है। समझ लीजिए एक साल आपको संभालना है विवाहित जीवन का संबंध, उसके बाद आपका बहुत अच्छा पीरियड आएगा। और अभी फिलहाल वक्री शनि आपको मानसिक बेचैनी देने के लिए एकदम केपेबल हैं, इसलिए आपको टोटली हरे कृष्णा के जाप या शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम रहेगा। उससे विवाहित जीवन भी संभलेगा और मानसिक परेशानियाँ भी खत्म होंगी। चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में, और धन आने की व्यवस्था चंद्रमा कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, दशम भाव में रहेंगे चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में। कुछ काम अटके हुए थे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए थे, तो उस सप्ताह की शुरुआत में दो दिन आप नॉक नॉक कर सकते हैं लोगों को, और ये सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा दे देगा, क्योंकि सूर्य अपने से बारहवें तो गए लेकिन लाभ भाव के स्वामी हैं, तो खर्चा भी होगा जितना आप कमाएंगे, लेकिन कमाना तो अवश्य है ये दिखता है कार्ड्स पर, और खर्चा भी उतना ही दिखता है। द्वादश भाव के स्वामी भी बुध अपने से द्वादश चले गए हैं, तो खूब सारा खर्चा भी कार्ड्स पर दिखता है। आधे अधूरे काम विदेश से रिलेटेड बन सकते हैं, विद इन इंडिया कम्प्लीट बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र बुध का महालक्ष्मी योग कुछ ना कुछ तो जलवा आपको दिखाएगा, क्योंकि आपका लग्नेश है शुक्र। और अगर बात करूँ अष्टम भाव में बैठा गुरु मंगल तबीयत संभालने के लिए बोलता है, अब गले से रिलेटेड परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पेट से रिलेटेड परेशानियां, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और साथ साथ में बैक पेन या बॉडी पेन, ये सब आप महसूस कर सकते हैं, तो आपको अपना चेकअप वगैरह कराना चाहिए। वहीं पर राहु षष्ठ में बैठ के कर्जे चुकते कराते हैं, पैसा भी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो फिलहाल का जो गोचर है ये जब तक चेंज नहीं होता, जब तक सूर्य नहीं आ जाते लाभ में, तब तक थोड़ी तकलीफ है। फिर ये दो सपोर्ट करेंगे ग्रह, काम भी होगा और 16 तारीख के बाद आपको पैसा भी नज़र आएगा आते। वैसे पिछले हफ्ते पैसा आया कि नहीं, आपको कामकाज कुछ नया मिला कि नहीं, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अब परिवार से फुल सपोर्ट है आपको, और आपको अभी फ़िलहाल माता पक्ष की तबीयत को संभालना ज़रूरी है, बच्चों के साथ भी अनबन नहीं करनी है, बच्चों के भी हालात संभालने हैं, और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कामकाज में कोई स्लो डाउन हो रहा है तो बस आपकी हिम्मत काम करने वाली, क्योंकि स्लो डाउन काम को आप ही बढ़ा सकते हैं। ये कार्ड्स पर दिखता है कि काम बढ़ा लीजिए, और काम बढ़ा ले के जो कुछ नया बिजनेस करने की सोची है वो भी कर लीजिए, नसीब साथ देगा, किस्मत साथ देगा, जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है, आप बहुत स्ट्रांग अंदर से, आपकी पर्सनालिटी और आप अपने आप में पूर्ण संपूर्ण महसूस कर रहे हैं। विवाहित जीवन का संपूर्ण सपोर्ट है,
लेकिन उनकी तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर बच्चों के भी हालात संभालना ज़रूरी है और उनको गलत सजेशन ना हो जाए, गलत शिक्षा ना मिल जाए, पढ़ाई वगैरह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके भी और उनके भी। आधे अधूरे आते पैसे अब जो हैं थोड़े आने वाले हैं, तो बस तैयारी कर लीजिए, धन आने की संपूर्ण संभावना। पिछले दिनों आपने जो तकलीफ सही है पैसों की, उससे मुक्ति मिलेगी। यात्राओं में ध्यान रखना है खाने पीने और दवाइयों का। वहीं पर शादी के भरपूर योग बने हुए हैं, शादी के लिए आपको वर वधु का चयन कर लेना चाहिए। और अपने घबराहट और बेचैनी के लिए श्री राम लिखना चाहिए एक लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर और चढ़ा देना चाहिए हनुमान जी को। आप हनुमान चालीसा भी 7 बार पढ़ सकते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति, भाग्य भाव में चंद्रमा भाग्य के स्वामी सप्ताह की शुरुआत में आपको मानसिक बल देते हैं और ये सप्ताह में अपने कार्य पूरे करने के लिए हिम्मत भी आपको पूर्ण रूप से देते हैं। वहीं पर आपके शुक्र बुध कॉम्बिनेशन में मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग, सुखों से रिलेटेड, आनंद से रिलेटेड, एम्यूजमेंट से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड कई काम आपके बनते नज़र आते हैं। कपड़े, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह के भी काम आपके बन सकते हैं। धनुराशि के लिए देखिए, अभी आपका काम शुरू हुआ है धीमे धीमे। कैसे शुरू हुआ है? ये सूर्य अष्टम में दिखता है, बट आपका दिमाग उसने खोला है, क्योंकि अब आगे जाएगा ना 16 तारीख को भाग्य में, तो भाग्य में जाएगा तो अचानक से तो काम नहीं होगा, पहले कुछ अंदर से कुछ योजनाएं बनेंगी तो आगे चल के काम होगा ना, तो इसलिए महालक्ष्मी योग आपके भाग्य भाव में बनाए हैं शुक्र बुध ने। नए नए काम होते नजर आएंगे। माता पक्ष की तबीयत संभालना ज़रूरी है और विरोधी जो हैं वो शांत हो जाएंगे। शत्रुहंता योग बनेगा। शादी के लिए अगले साल योग बनने वाले हैं, लेकिन खोजबीन अभी से चालू है, तो शादी के लिए भी आगे बढ़िए और आपकी शादी के भरपूर योग बनेंगे आते दिनों में। आपके जो काम आपको लगता है ना कि नहीं बन रहे हैं और कुछ अड़ंगे हैं, तो उसके लिए कोई धार्मिक यात्रा कीजिए, कोई धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, अपने घर में हवन या पूजा पाठ गणेश जी का कराइए या हनुमान चालीसा करवाइए 108 वगैरह पंडितों द्वारा, जिससे आपको सुख शांति का एहसास होगा। अभी भाषा पर कंट्रोल आया है आपका शनि के वक्री होने पर, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस पर पूर्ण कंट्रोल ले लेंगे ना तो धन आगमन हो जाएगा। वहम होना, अलग प्रकार से माँ के साथ डिफरेंसेस होना और उनको कष्ट देना, ये नहीं करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली फटाफट छाएगी। चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेगी। हमेशा अष्टम में चंद्रमा आते हैं तो आपको तकलीफ होती है, हालांकि आपके मित्र ग्रह हैं, फिर भी आप जो हैं उदास हो जाते हैं। ऐसे में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं। मकर राशि के लिए देखिए, शनि महाराज अपने से द्वितीय भाव में बैठकर वक्री हुए हैं। परिवार के साथ बना के रखिए, जो काम अपने से रिलेटेड हैं, आपसे रिलेटेड हैं, वो बनाने का वक्त आया है। आपको हर प्रकार से धन प्राप्ति के भी योग आगे नज़र आएंगे, इसलिए अभी से काम कीजिए उस ओर। माइंड बहुत शार्प हो गया है, लेकिन माइंड शार्प होने के साथ बच्चों का भी भला हो रहा है, उनकी तरफ से आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं, यात्राओं में लाभ हो रहा है। और सूर्य आपको निरंतर जो है वैवाहिक जीवन से सपोर्ट तो दिलाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सूर्य अष्टम भाव में जाकर नया काम भी शुरू करवा सकते हैं। अब शुक्र बुध कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में, तो प्रजनन अंगों से रिलेटेड कुछ समस्याएं अगर छोड़े तो बाकी सब अच्छा चल रहा है। नई योजनाएं बन रही हैं, कुछ कामकाज के खर्चे आपको दिख रहे हैं, प्रपोजल्स बन रहे हैं और आप कुछ मीडिया आर्ट से रिलेटेड नौकरी भी पा सकते हैं, तो ये कामों में आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट विवाहित जीवन में आनंद देगी आपको सप्ताह की शुरुआत में। कुंभ राशि के लिए देखिए, जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए अभी शनि वक्री होने से 7.5 का असर कम हुआ है, तो अपने काम बना लीजिए फटाफट। और जो परिवार से मनमुटाव है उसको भी बातों से ठीक करिए, क्योंकि बातों से ही सब रिश्ते रहते हैं। खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए जो कि आप चाह रहे हैं, और विदेश रिलेटेड काम भी चाह रहे हैं तो वो भी करिए। अभी फ़िलहाल आपसे मैं कह दूं कि मंगल महाराज जो चतुर्थ में गुरु के साथ बैठे, वो आपके वाहन और प्रॉपर्टी लाने के पूरे योग बनाते हैं और साथ में आपको नौकरी भी दिला सकते हैं, बड़े बड़े ओहदे दिला सकते हैं, लेकिन ये सब प्रोवाइडेडली तब होगा ना जब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे।
और ये एक्टिव आपको करता है सूर्य, और साथ में अब वो एक्टिव पूर्णतया 16 तारीख के बाद होने वाला है। तब तक आपको अपना शुक्र बुध का सहारा लेके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करने चाहिए, अपने घर परिवार से रेनोवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कुछ वाहन से रिलेटेड काम पटा लीजिए, बच्चों की पढ़ाई से लेके जो काम है, द्वितीय संतान के रिलेटेड कुछ काम है तो उनके साथ मिलके काम करना है तो वो भी पटा सकते हैं आप। और कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको अवश्य व्यवसाय में दिखता है, नसीब जागता है, कुछ नए नए काम आपके होते नज़र आते हैं मुझे। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट थोड़ी डिप्रेसिंग है सप्ताह की शुरुआत में, लेकिन बीच में आपको दो ढाई दिन का थोड़ा सा अच्छा असर तो मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ चंद्रमा इस सप्ताह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कम सपोर्ट है आपको, और सपोर्ट है आपको बुध शुक्र का जिनकी लग्न पर दृष्टि है, और सपोर्ट रहेगा आपको सूर्य का जो श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम और टेंडर वगैरह आवेदन वगैरह भरे हैं, नौकरी से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, कोई कागज़ पत्र से रिलेटेड काम बनाने हैं तो वो भी बन सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु बड़े दिनों से आपको प्रेरित करता है कुछ झगड़े झमेले या विवाद, या आपके अंदर जो कटुता आ गई है, आप चाहते तो नहीं लेकिन फिर भी आप कटु हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के साथ बैड बिहेवियर कर देते हैं, इससे बचना है आपको। धन आता दिखता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं लेकिन यात्राओं में खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। धन भी आता दिखता है आपको, और नए नए कार्य तृतीय भाव में गुरु बनाता है आपका, यात्राओं में प्रॉपर्टियां बनाता है, और नए नए काम जो आपके ऐसे कुछ हैं जो नौकरी से रिलेटेड हैं वो भी नसीब से नौकरी मिलती है, कुछ काम आपके लोन्स चुकाने से रिलेटेड हैं, लोन्स लेने से रिलेटेड हैं वो भी होते हैं, आपके कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हैं वो भी करने हैं आपको तो कर लीजिए। आप इस सप्ताह में नौकरी पाने की दिशा में भी चल सकते हैं, हालांकि आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र आपके बैठा है षष्ठ में जहाँ पर नीच का होता है, उसको सपोर्ट नहीं है सिंह राशि का, इसलिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, शिव जी की आराधना, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में। वहीं पर नए नए काम और उससे पैसा प्राप्त करने के लिए आप निकलेंगे यात्रा पर, और वहां पर आपके काम बन सकते हैं, और जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं एंजॉयमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं एक बात बता दूं, अभी किया हुआ काम आगे चल के आपको खूब फ़ायदा देने वाला है, इसलिए अभी काम आपको करना चाहिए। आगे तबीयत को भी संभालना पड़ेगा आपको, इसलिए अभी से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य, इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। God bless you, take care and goodbye. आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। चलो ख्यालों में ही सही, नींद ना सही जाती।